हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा बहनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीन आवासे और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ जिला परिषद स्कूल कांदरी में। और आप देख रहे हैं कि जो नया कंस्ट्रक्शन है, ये मतलब जो पुरानी स्कूल थी उसको दुरुस्ती किया जा रहा है। और इस दुरुस्ती में गांव वाले की ऐसी शिकायत है कि जो काम है वो बहुत भारी मात्रा में लापरवाही से किया जा रहा है। तो एक पे एक लापरवाही कांदरी गांव में उजागर होते जा रहे हैं। और ये लापरवाही को देखते हुए गांव वालों ने सीओ मैडम के पास में कंप्लेंट किया कि इसकी चेकिंग हो। और चेकिंग सीओ मैडम ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको यहाँ पर भेजा। और आज उन्होंने यहाँ विजिट किए और विजिट के बाद उन्होंने जब आए तो गांव वालों का ऐसा आरोप था कि उन्होंने जो ये काम है जहाँ पे गड़बड़ी है, जहाँ पे रॉड दिख रहे हैं लोहे के, उसको छुपाया गया है। और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में उसको छुपाया जा रहा है। पिछले 15 साल से जो होते हुए आ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए एक अच्छी पहल मेरे युवा मित्रों ने किए। हमें ऐसा लगता है कि उल्टा कंप्लेंट करने वालों को ही कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई। तो आम सभा में जो मुद्दा उठाने के बाद में हम लोग यहाँ पर 11 तारीख को आए थे और 11 तारीख को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखने के बाद में इसमें यहाँ पर जो स्लैब है, भीम है, कॉलम है, ये कॉलम को देखने के बाद में ऐसा लगा कि ये जो काम किया ग्राम पंचायत के जस्ट सामने काम हुआ है, पर ग्राम पंचायत की निगरानी में काम हुआ है, पर ग्राम पंचायत की निगरानी में बहुत सारी लापरवाही हुई है। 24/5 को हम लोग कंप्लेंट लेकर गए सीओ मैडम के पास में। निशाताई ठाकरे आई थी और उन्होंने जांच की। पर हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद में ये पता चला कि जो काम इन लोगों ने गलत किया था वो काम को कहीं ना कहीं रात में इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की। तो प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा काम करें ही क्यों कि जिसे वापस उसे छुपाना पड़े। और यहाँ पर सभी यहाँ उपस्थित हुए थे, आए हुए थे, और ये जिला परिषद और सर्व शिक्षा अभियान की नीति अंतर्गत ये बना गया है। वो काम निशाताई ठाकरे ने देखा हुआ है, पर निशाताई ठाकरे के जवाब से या उनके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने काम किया भाई जेई साहब इनकी तरफ से बोलने की कोशिश कर रही थी। अगर इसी तरीके का काम चलते रहेगा तो शायद हम लोगों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम लोगों को नहीं पता, पर हम लोग एंड तक ये काम के पीछे भिड़े रहेंगे। यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर है शिव कुमार जी यादव, वो भी आए थे, उन्होंने भी ये काम देखा, उनकी तरफ से पॉजिटिव जवाब था कि ये काम अच्छा हो रहा है और मेरे निधि से हो रहा है। उनकी निधि से ये काम हो रहा है तो फिर ये काम अच्छी तरीके से होना चाहिए था। यहाँ पर उन्होंने आकर कहीं ना कहीं विजिट देना था, पर ये काम पूरा फिनिश होने के बाद में भी जिला परिषद जो मेंबर है उन्होंने विजिट नहीं की और उन्होंने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की। अगर इस तरीके से अगर चलता रहा और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई तो हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय लेंगे और वो निर्णय के साथ में जाएंगे और हमारे गाँव के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगे। रिपोर्ट में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता हम लोगों को नहीं मालूम, हमारे पक्ष में आता है, गांव के पक्ष में आता है या उन लोगों के पक्ष में आता है ये हम लोगों को नहीं मालूम है। रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमको ऐसा देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि वो हमारा घर होता तो शायद हम ऐसे काम नहीं कराते। तो आप सोचिए कि क्या अगर आपका घर होता तो काम ऐसे ही होते, तो काम ऐसे नहीं होते। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि राजनीति करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, और जिसका कारण ये होता है कि वो कहीं ना कहीं से वो करप्ट करते हैं, करप्शन करते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जाहिर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों के कारण पूरी पॉलिटिशियन कॉम जो है वो बदनाम होते जा रही है। विषय खूब अगोदर निघाला पाहिजे होता जिल्हा परिषद शाळेचा। ज्या प्रकारे हा शाळेचं बांधकाम केलं आहे, जे सिमेंट जे कॉन्क्रीट जे यूज केलं आहे ते खूपच कमी प्रमाणातलं आहे। पांडे साहेबाच्या सांगायचा विषय असं म्हटलं, कांद्री गावात असे खूपसे असे 3-4 नाले आहे जे एकदा नाही 4 वेळा एकाच नालेले बांधकाम झालेले आहे। म्हणजे हा जो पैसा लागला आहे त्यांच्या बापाच्या त्यांच्या खिशातून घरून नाही गेला आहे, हा आपल्या जनतेच्या तुमच्या माझ्या सर्वांच्या आहे तो पैसा, पण त्या पैसा गेला त्या एका नालीत झालेला खर्च त्याचा निर्णय अजून नाही लागला आहे। भरपूर वेळा आमसभेत हा विषय मांडला आहे पण त्याच्यावर काहीच कारवाई नाही केली। जिल्हा परिषद सदस्य साहेब आहे शिवकुमार यादव, वो पर्सनल ले रहे थे और जो आज का विषय था वो विषय छोड़ के वो बाकी के विषय यहाँ पे डाले तो ये गलत है। जो विषय है आप उसी को लीजिए तो अच्छा रहेगा, गाँव के हित का विषय था कि वो पर्सनल ले रहे थे और पर्सनल लेके वो उसको विषय को भटकाने का काम कर रहे थे, तो ये काम गलत है।
ये जो जिला परिषद स्कूल है वो ग्राम पंचायत के ठीक आमने सामने है, बीच में एक रोड का फासला है। ग्राम पंचायत के ठीक सामने ही और जिला परिषद के जस्ट बाजू में एक घर है जो ऐसा माना जा रहा है कि ग्राम पंचायत के कर्मचारी है, पानी पुरवठा जो कार्यभार है उनके तरफ दिया गया है और उनका नाम है ज्ञानेश्वर वैद्य। और आप देख रहे हैं कि इस घर में, ये घर जो बना हुआ है इलेक्ट्रिक का पोल अपने घर के अंदर में इसे ले लिया गया है। तो आखिर ये जो है ये इलेक्ट्रिक का पोल अपने घर के अंदर लगाने की हिम्मत करने वाले ये महान हस्ती आखिर ग्राम पंचायत के किस सदस्य या किस सरपंच या किस पदाधिकारी किस कर्मचारी के रिश्तेदार हैं जो इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत अपने आप में रखते हैं। शायद हम और आप जैसे एक आम व्यक्ति होता तो इस पोल को अपने घर के अंदर ऐसे बनाने की हिम्मत कभी नहीं करता। और गांव के हित में क्या हो सकता है उसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम सब एक साथ जुड़ें तो जरूर हमारे साथ आइए और गांव के विकास में क्या बेहतर हो सकता है हम उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं और मरते दम तक हम प्रयत्नशील रहेंगे। अन्याय के साथ हमेशा हम युवा नबी नवाज टीम के माध्यम से खड़े रहेंगे और इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त वीर सिंह, नबी नवाज।